हे गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ मॉनसून फ्लश डाइट प्लान। बहुत कोई का कमेंट आया है लो कैलोरी डाइट प्लान, स्टक वेट को कैसे घटाना है, तो ये डाइट प्लान आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लो कैलोरी डाइट प्लान तेज़ी से वजन घटाने में मदद करेगा। इसमें एडिट सारे हर्बल टी, डिटॉक्स ड्रिंक्स और लो कैलोरी हेल्दी मील्स फुल बॉडी फैट को फ्लश आउट करने में मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे फॉलो करना है। सुबह उठ के खाली पेट में सबसे पहले लेना है टर्मरिक टी। इस सीज़न में ये सर्दी खांसी जुकाम या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा। ब्रेकफास्ट में 2 ओट्स, कैरेट, इडली, साथ में कोकोनट चटनी ले सकते हैं। पनीर और ओट्स को कद्दूकस करके इडली बैटर में डालना है, या फिर इस तरीके का यूनिक टाइप का हाई प्रोटीन हाई फाइबर चीला ले सकते हैं। पूरा डिफरेंट जैसे दिखने में है, इसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट है, ट्राई करना बनता है। 3 से 4 मिनट के अंदर ये चीला बन के रेडी हो जाएगा। मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून ओट्स ले लिया, 1 चम्मच सूजी यानी कि रावा और 1.5 चम्मच के जैसा बेसन ले लिया, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन को क्रश करके डाल देना। इससे इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है और साथ में जिन लोगों को गैस या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है वो भी इसे आसानी से ले सकते हैं। और इसमें ऑयल ब्रश करके बनाना है, तो मैं 1 बूंद 2 बूंद के जैसा ऑयल डाल दिया और अच्छे से ब्रश कर दिया। फिर इसमें पानी छिड़क दिया और इसमें मैं वेजिटेबल इस तरीके से डाल दे रही हूँ। मैं यहाँ पर कैप्सिकम टोमेटो डाली हूँ और उसके कैप्सिकम के अंदर में थोड़ा पनीर वगैरह और कड़ी पत्ता भी मैं इसमें फ्लेवर के लिए डाल दूंगी। गाइस, ये वाला चीला का टेस्ट बहुत बहुत अच्छा है। आप चाहो तो चॉप करके भी वेजीज डाल सकते हो, पर इस तरीके से डालने से वेजीज का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, क्योंकि चॉप करने पर अगर मिक्स करके डालोगे तो चीला पलटने में दिक्कत होता है। तो इस तरीके से डालने से आप ढेर सारा वेजिटेबल इसमें यूज़ कर सकते हो और इसका टेस्ट भी काफ़ी डिफरेंट लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ज़रूर इसे ट्राई करना। गाइस, जल्दी और हेल्दी तरीके से वजन घटाने के लिए हाई प्रोटीन डाइट करना तो बहुत ही ज़रूरी है, पर प्रोटीन के साथ साथ विटामिंस, मिनरल्स, हाई फाइबर भी हमें मेंटेन करना चाहिए। साथ में थोड़ा बहुत कार्ब्स भी डाइट में रखना चाहिए और ये मील में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये वेट लॉस करने में तो मदद करेगा ही, साथ में ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनेज करता है। जिन लोगों को डायबिटीज़, PCOD है, वो भी आसानी से ले सकते। आप में से बहुत कोई मुझे बताते हो कि डाइट स्टार्ट करने पर ही कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप सही तरीके से अपना मील्स नहीं ले रहे हो, सही फाइबर आपके डाइट में इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हो। सो इस तरीके का मील आप अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए, आपका कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम सही होने लगेगा। और ये चीला एक साइड में पक जाने पर दूसरा साइड में भी 2-3 मिनट पका लेना है लो फ्लेम पे और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। साथ में मैं बना रही हूँ कोकोनट चटनी, आप चाहो तो ग्रीन चटनी भी ले सकते हो, पर उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें ताकि हेल्दी फैट्स भी इनकॉर्पोरेट हो, क्योंकि हेल्दी फैट्स भी जरूरी होता है वेट लॉस के लिए। और अगर आपके पास कोकोनट अवेलेबल है तो इनकॉर्पोरेट कीजिए, बिकॉज कोकोनट इट्सेल्फ अ हेल्दी फैट। तो इसको मैं का लगा दूंगी थोड़ा सा राई और कड़ी पत्ता डाल के, और ये चटनी बनाने के लिए मैं कोकोनट डाल दिया, ग्रीन चिली 1 चम्मच, सत्तू डाल दिया, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट भी डाली हूँ, वो स्किप हो गया, और इसको मिक्स कर लिया, थोड़ा सा तड़का डाल दिया और बिल्कुल तैयार है डेलीशियस चिला के साथ कोकोनट चटनी। 2 टेबलस्पून ही कोकोनट चटनी लेना है। हेल्दी फैट्स लेना अच्छा होता है, इसका मतलब आप मर्जी से नहीं ले सकते, तो इसको पोर्शन में लेना है। सो गाइस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ बॉयल और स्टीम्ड ही खाना है। आप हेल्दी हेल्दी खाना खा सकते हैं और अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, वजन घटा सकते हैं, मेडिकल इश्यूज को क्योर कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के 20 से 30 मिनट बाद 1 कप ग्रीन टी लेना है। मैंने एक रिसेंटली शॉर्ट्स वीडियो अपलोड की हूँ ग्रीन टी का फायदा और इसको सही तरीके से कैसे बनाना है, जरूर देख लीजिएगा। मिड मॉर्निंग में 1/2 लेमन जूस, 1 टीस्पून जिंजर जूस 300 ml पानी में मिक्स करना है और इसको पीना है। इस टाइम पे ये ड्रिंक लेते हैं तो अगेन ये वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, साथ में तेजी से वजन तो घटाता ही है और बेली फैट लॉस करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट लंच, लंच में सोया चंक्स और मशरूम, साथ में ढेर सारा वेजिटेबल डाल के एक बोल भर के भुर्जी बना के ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से बना के एक हाई प्रोटीन ढोकला ले सकते हैं, जो कि यूनिक तो है ही साथ में सुपर टेस्टी है। और ये ढोकला का रेसिपी आई एम श्योर आप अभी तक कहीं पे भी नहीं देखे हो। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। एक बोल में 1 कप बेसन ले लिया, मैं यहाँ पे चने का बेसन यूज़ किया, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट और हल्दी पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसका जो कंसिस्टेंसी है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला होगा, तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसमें 1/2 टीस्पून इनो डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है और तुरंत इसको बोल में प्लेस करके ऊपर से 100 ग्राम के जैसा ग्रेट किया हुआ पनीर डाल दूंगी। ये पकने में ऑलमोस्ट, पहले मैं 5 मिनट्स डाली थी, फिर 3 मिनट्स, टोटल 8 मिनट्स लगेंगे। तो थोड़ा सा आप नाइफ या फिर टूथपिक डाल के देख लेना कि अंदर से कच्चा है कि नहीं, तो ये पक जाएगा टोटली, फिर इसको निकाल लेना है। आप चाहो तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो और ये जो क्वांटिटी है थोड़ा ज़्यादा है, अगर सिर्फ अपने लिए बना रहे हो तो क्वांटिटी आधा कर दो। और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया ताकि क्वांटिटी ज़्यादा है, इसीलिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा है। अगर सिर्फ अपने लिए बनाएंगे तो ऑयल भी आधा कर देना है। मस्टर्ड सीड, ग्रीन चिली और कड़ी पत्ता, कोई भी चीनी ऐड नहीं करना है। फिर इसमें थोड़ा
थोड़ा सा पानी डाल देना है और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट भी डाल देना है। एक बोल में 2 चम्मच दही को अच्छे से फेंट लेना है, फिर ये जो मिक्सचर है इसमें डाल के अच्छे से अगेन मिक्स कर लेना है। और गाइस, ये दही वाला ढोकला ना बहुत बहुत टेस्टी है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा घर पे, आपको बहुत पसंद आने वाला है। किसी ने मुझे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर हम वेट लॉस करना चाहेंगे तो इनो कैसे यूज़ करेंगे, इनो के साथ हम कभी भी वेट लॉस नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी, सबसे पहले आप छोड़िए चीनी, मैदा और रिफाइंड ऑयल और ऑल काइंड ऑफ जंक फूड, बाहर का खाना जैसे कि तला हुआ, भुना हुआ। अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, हर दिन 20 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज कीजिए, फिर आप देखो थोड़ा बहुत इनो आप अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ये आपके वेट लॉस डाइट ख़राब करने वाला नहीं है। और अब ये दही वाला मिक्सचर इसके ऊपर मैं डाल दिया, इसको पीसेस में कट कर दिया। ये जो ढोकला है ना बहुत बहुत ही टेस्टी बना है, मुझे तो ये ऐसे ही पसंद है। आप देख सकते हो ये कितना स्पंजी और सॉफ्ट बना है, आप चाहो तो इसके साथ ग्रीन चटनी भी ले सकते हैं, अल्टरनेट डेज पे अल्टरनेट करके भी ले सकते हैं। अगेन लंच के 20 से 30 मिनट बाद 1 कप ग्रीन टी लेना है। इस सीज़न में इवनिंग में थोड़ा चटपटा खाने का मन होता है तो आप एक बोल कॉर्न और वेजी सलाद ले सकते हैं, खीरा, गाजर, टमाटर जो जो है, लेमन जूस वगैरह डाल के बॉयल कॉर्न 100 ग्राम ही यूज़ करना, या फिर इस तरीके से बना के मखाना का सलाद भी ले सकते हैं, मखाना 30 ग्राम के जैसा यूज़ कर सकते हैं। 8 से 10 रोस्टेड पीनट्स भी डाल सकते हैं। और लास्ट मील डिनर जो कि 8 बजे तक कंप्लीट करना ही है, और इवनिंग स्नैक के बाद डिनर में उतना भूख लगने वाला नहीं है, और मॉनसून में डिनर पे सूप से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कुछ नहीं होता है। सो डिनर में मशरूम गार्लिक सूप या फिर चिकपीस टोमेटो सूप बना के ले सकते हैं। सोने से पहले 1 कप हर्बल टी ज़रूर लेना है, ये ओवरनाइट फैट को बर्न करने में मदद करेगा। इसे बनाने के लिए 200 ml पानी में 1 तेज़पत्ता को क्रश करके डाल देना है, 1/2 टीस्पून फेनल सीड डालना है, 2 मिनट उबालना है और छानना है, फिर सिप सिप करके इसको पीना है। ये डाइट प्लान को 7 to 10 डेज फॉलो कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हेल्दी खाएं और स्वस्थ रहें।